जय माता दी। बहुत लंबे समय से आप में से कुछ लोग अपने आप को काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से स्टकनेस आपको फील होता है, इवनिंग के समय में ज़्यादा फील होता है। ये सारे स्टकनेस से आप बहुत जल्द निकलने वाले हैं। जितने भी लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, जितने भी लोग मेडिटेट ध्यान योग कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए नेक कर्मा कर रहे हैं, देखिए आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है। आपके साथ जो दिव्य शक्ति है वो आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आपके साथ कोई दिव्य शक्ति और दिव्य शक्ति आपको कुछ बताना चाहते हैं। आपको दिव्य शक्ति क्या बताना चाहते हैं, देखिए आपको दिव्य शक्ति बताना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मेडिटेट करके अपने जो थर्ड आई चक्र, अपना जो एक ऐसा रहता है ना कि हमारे माइंड में जो चलते रहते, हमारे अंदर इनर कुछ बहुत ही अलग चल रहा है, अंदर में कुछ अलग ही चल रहा है सोच, लेकिन बाहर हम दूसरों के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। नहीं, कि ये चीज़ होना चाहिए, हाँ भाई हाँ, अगर हम ये बोलेंगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा, नहीं। आपके लिए यहाँ पर आपकी दिव्य शक्ति आपको बता रहे हैं कि आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि इंद्रियों को थोड़ा सा ओपन करके चलिए, जैसे कान से अच्छे से, मतलब पहले उसको ऑब्जर्व कीजिए, अच्छे से आँखों से देखिए, सुनिए, समझिए, और उसके बाद फिर उसमें क्रियान्वयन कीजिए। यहाँ पर किसी न किसी के लिए संदेश है कि आप काफ़ी स्टक फील करें, आपको फील हो रहा है कुछ निगेटिविटी, आपको लग रहा है कि मैं पहले बहुत अच्छा करती थी, बहुत अच्छा करता था, पर प्रोजेक्शन हुआ है। ठीक है, प्रोजेक्शन करने वाले तो प्रोजेक्शन करेंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना है, निगेटिविटी को रिमूव करना है, तब आपके लाइफ में नाइन ऑफ कप्स है, आपके लाइफ में एक विश फुलफिलमेंट है, आपके लाइफ में जो दिव्य शक्ति है आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। आप उस मार्गदर्शन को किस तरीके से लेते हैं, यहाँ पर मुझे साईं बाबा जी का कार्ड नज़र आ रहा है, आत्मा का सफ़र। मैं आपको मार्ग पथ जरूर बताऊंगा, लेकिन चलना आपको खुद है। तो कोई भी व्यक्ति आपको मार्गदर्शन दे सकता है, आप किस तरीके से चलते हैं, आप उसे किस तरीके से फॉलो करते हैं, आपके ऊपर है। आपके लाइफ में कोई मेंटोर की एंट्री हो रही है, किसी मेंटोर की एंट्री हो रही है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून से आपकी किस्मत का पहिया अब घूमने वाला है आपके तरफ। आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, आपने जितना टॉक्सिसिटी देखा है, जितना निगेटिविटी देखा है, जितना कार्मिक स्थिति देखा है, अब वो कार्मिक स्थिति बहुत जल्द कुछ लोगों के लाइफ से, देखिए इतने सारे लोग देखते हैं, सबके लाइफ से तो एक ही चीज़ नहीं हो सकती, जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लाइफ से जो काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। आपके पर्सनल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में टेन ऑफ कप्स, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे आप क्लियर करने वाले हैं। कोई ऐसे पर्सन है जो बार बार आपके तरफ प्रोजेक्शन करते हैं, बार बार किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि शायद आपने उनको लेट गो किया है, किसी भी प्रकार से आपने उनको क्लियर बता दिया है, और यही कारण है कि वो आपसे काफ़ी जेलसी करते हैं, आपके अपनों से काफ़ी जेलसी करते हैं। अब ऐसे लोगों से भी आप डिस्टेंस करना स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, जिन्होंने भी आपको डिच किया, जिन्होंने भी आपको जिन्होंने भी छल किया है, उन सभी लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आपको कहा जा रहा है, और आप डिस्टेंस मेंटेन भी कर रहे हैं, तब आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है। टू ऑफ वॉन्ड से आप कोई नया कार्य प्रारंभ करने वाले हैं, उसके लिए यहाँ पर आपको किसी से मार्गदर्शन प्राप्त होगा, क्योंकि इससे पहले भी आपने शायद ये सोचा था, लेकिन आपका ये पूरा नहीं हुआ है। किस वजह से पूरा नहीं हुआ है, आपको क्या रेमेडी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की स्थिति, यहाँ पर एनर्जी के अनुसार ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। बाकी आपको देखिए मुंह में मीठा बोलने वालों से थोड़ा सा देखकर यहाँ पर, क्योंकि जो भी लोग आपके लाइफ में आए हैं अभी तक, काफ़ी आपके सामने में अलग बोलने वाले और पीछे अलग बोलने वाले हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, द टेंपल पाथ से आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत लंबे समय से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपके थ्रोट चक्र पर आर्क एंजल गैब्रियल जी आपके थ्रोट चक्र पर कार्य करें, तो हो सकता है आपका कोई कार्य जो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। यहाँ पर बहुत जल्द आपको जो कुछ भी आपने देखा है अपने लाइफ में, जो भी टॉक्सिसिटी, जो भी कार्मिक स्थिति, जो भी स्टकनेस जो मुझे फील हो रहा है, ठीक है, ये आपने जो देखा है वो सारी चीज़ें आपके लाइफ से अब वन बाय वन हटने वाला है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा लग रहा है जिनके बर्थ चार्ट में जो है गुरुदेव जी की, बृहस्पति देव जी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बलिष्ठ है। यहाँ पर सूर्यदेव जी की, या तो आपके नवे भाव में हो सकता है, यहाँ पर मुझे लग रहा है नवे भाव में आपके गुरुदेव जी विराजमान हो सकते हैं। सन की एनर्जी है, नवे भाव में आपके जो सूर्यदेव जी है विराजमान हो सकते हैं, या अभी दशांतर दशा के अनुसार कुछ ऐसे
ग्रहों की जो है युति यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, या तो युति हुई है यहाँ पर आपको, इसी वजह से आपका जो सोल है आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर पहले ही एनर्जी आ रही है ना, दिव्य शक्ति आपके साथ, दिव्य शक्ति, जो दिव्य शक्ति आपका यहाँ पर मार्गदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कोई ऐसे भी गाइडेंस करने वाले आपको प्राप्त हो रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रहा है जो कहीं ना कहीं डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। यहाँ पर देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, ओम साई राम, ठीक है, रूहानी गुड समूह। तो यहाँ पर आपके सोल फैमिली मेंबर या सोलमेट की एंट्री यहाँ पर हो रही है, या आप अपने सोलमेट से ही कोई बात डिस्कस करेंगे, कोई बात आप करेंगे जिससे आप दोनों मिलकर कोई कार्य करने वाले हैं उसके बारे में आप विचार करेंगे, लेकिन ये बातें आपको किसी और से नहीं करनी है। यहाँ पर आप अकेले नहीं हैं, यहाँ पर आपको साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। लेकिन आपको अपना जो भी कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, जो भी कार्य को आप जिस गति से कर रहे हैं, उसे आपको सिर्फ आपको अपने तक रखना है, या अपने कोई क्लोज वन है उन तक रखना है, हर एक व्यक्ति से आपको नहीं कहना, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके तरफ यहाँ पर नज़र रखे हुए हैं और ये दूर से आपको देख रहे हैं। अगर ये आपके करीबी नहीं है तो ये आपको दूर से देख रहे हैं, इनके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है, इसी यही कारण है कि ये नहीं चाहते कि आपके पर्सनल लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। और आपके लिए एस ऑफ कॉइन का कार्ड एक न्यू बिगनिंग बता रहा है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ग्रोथ हो रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बृहस्पति देव जी की कृपा को बता रहा है, तो बृहस्पति देव जी की कृपा से आपका जो व्यवसाय है, व्यापार है, वो तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा दिव्य शक्ति का जो मार्गदर्शन है उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप जिस तरीके से चल रहे हैं, निष्ठा के साथ आपको चलने के लिए कहा जा रहा है। अगर कोई आपको इनमैच्योर तरीके से अगर आपको कोई प्रपोजल देता है, तो आपको थोड़ा सा किसी से मार्गदर्शन लेना चाहिए, या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो पास्ट से आ रहे हैं, तो उन पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या पहले इस व्यक्ति ने आपका साथ दिया था, या अब ये आपके आगे बढ़ने से, आपके ग्रोथ से ये आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो, क्योंकि यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्स का भी कार्ड है, तो ये वही व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने पहले आपका दिल दुखाया है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, टेक केयर।